हाँ दीदी जी, जब हमारे पति द्वारका धाम से लौट करके आएंगे, हम तुम्हें दोगुना करके वापस कर दूंगे। पड़ोसर कहने लगे, क्यों नहीं, चार दिन पहले मांग करके ले गई थी, अभी वापस नहीं किया। तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान मृत लोक पर किसी को जन्म मत देना, और अगर प्रभु किसी को जन्म देते हो तो गरीब किसी को मत बनाना। ये गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा देती है। स्वयं इंसान घर में भूखे रह करके समय व्यतीत कर देगा, लेकिन माता पिता के सामने जिस समय बच्चे घर में भूखे होते हैं, वो माता पिता संतान का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। माता पिता से बच्चों को भूखा देखा नहीं जाता है। सुदामा के घर में तो 10-10 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी इंसान से क्या नहीं करा देती। टोटा किसी पे मत लाइए, सबसे बुरो है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना ले टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा बेईमान बना ले टोटा। के सामने लाचार होकर के लौट के आ गई, कहा प्राणनाथ, पूरे गांव में भिक्षा मांगने, लेकर कहीं हमें दो मुट्ठी अन्न के दाने नहीं मिले। सुदामा जी समझ गए हैं कि भामिनी मजबूर है, लाचार है। सुदामा जी एक खेत में गए हैं जिसमें समा घास खड़ी थी। मेहनत कर सुदामा जी ने उसमें से कुछ अन्न के दाने निकाले हैं,
भामिनी को दिए। भामिनी ने उन्हें एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को दे दिए। हाथ जोड़ करके भामिनी ने कहा, प्राणनाथ पेट की खातिर तुमने कन्हैया के हिस्सा के चना चब लिए थे, कन्हैया ने तुम्हारा एक संस्कार खराब कर दिया। आज तुम 10 दिन के भूखे यहां से द्वारका जा रहे हो, पेट की खातिर कहीं कन्हैया के हिस्सा के चावल मत चब लेना, न कन्हैया अंगना संस्कार भी बिगाड़ देंगे। ये चावल मेरे देवर जी को जाकर के दे देना, कन्हैया तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। सुदामा जी कहने लगे हैं, भामिनी हम तो द्वारिका जा रहे हैं, बच्चे घर में 10 दिन के भूखे हैं, गांव में भिक्षा नहीं मिलेगी। दूसरे गांव में भिक्षा मांग करके भामिनी बच्चों का पेट भरती रहना, कहीं ऐसा न हो कि हम द्वारिका से लौट के आए तब तक बच्चों से भी हाथ धोना पड़ जाए। जिस समय सुदामा जी द्वारिका धाम की ओर चले, अरे धीरे धीरे विप्र सुदामा पुरी द्वारिका जावे, धीरे धीरे विप्र सुदामा पुरी द्वारिका जावे, भारी सर्दी लगे विप्र तू तब दिल में घबराए, भारी सर्दी लगे विप्र तू तब दिल में घबराए, चलते चलते विप्र सुदामा महान वन में आयो, चलते साथ में द्वारका धाम में पहुंचे हैं। भगवान कन्हैया की द्वारका में जब सुदामा जी पहुंचे हैं, द्वारपाल खड़ा हुआ था, सुदामा जी उसके पास में खड़े हैं। सुदामा जी द्वारपाल से कहने लगे हैं कि द्वारपाल, क्या एक संदेश आप हमारा भगवान कन्हैया के पास तक पहुंचा सकते हो? कहा ब्राह्मण देवता, आप भयहारी के दरवाजे पे खड़े हो और भयहारी के दरवाजे पे भय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देवता जो भी कहना है आप संकोच होकर के कहो। Aye, aye, aye.
मैं द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से जाकर के आपका संदेश कहता हूं। भगवान कन्हैया के पास में द्वारपाल गया है, हाथ जोड़ करके कहने लगा है कि द्वारकाधीश की जय हो, प्रभु एक संदेश लाया हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं द्वारपाल में संकोच होकर के कहो, कहा प्रभु द्वारका में बड़े बड़े याचक आए हैं, बड़े बड़े गरीब आए, लेकिन कन्हैया जैसा गरीब आज आया है आज से पहले कभी द्वारका में ऐसा गरीब नहीं आया। इतना गरीब मैंने आज से पहले कभी द्वारका में नहीं देखा है। कन्हैया बोला है द्वारका, कैसे मैं उस गरीब की गरीबी का वर्णन करूं। दो पटिया मैली धोती है, बक कुर्ता फटा गरीब तो बहुत आए, ऐसा गरीब आज से पहले कभी नहीं आया। साबित शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में जूते नहीं है। कह रहा था वो आपका मित्र है, भगवान कन्हैया पे कोई फर्क ही न पड़ा। अंत में जैसे ही सुना है कि उसका नाम सुदामा है, भगवान कन्हैया गद्दी से कूद गए, दरबार छोड़ करके भगवान कन्हैया जिस समय राजमहल के दरवाजे की ओर गए, खुश रहो नाम तो बताते जाओ, अरे ढंग से बताओ क्या नाम आपका। भगवान कन्हैया द्वार की ओर जब भागे हैं, जाते ही जाते हाँ भैया कहकर के सीने से लगा लिया। इसे कहते हैं मित्र, इसे कहते हैं मित्र। आवत ही आदर करे जाते ही देवे रोए तुलसी, ऐसे मित्र घर भूखे जइयो सो। आप नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी बहन जाइए चे कंचन बरसे मेह। भगवान कन्हैया मित्र को लेकर के राज्यसभा में आए हैं, कहा भैया हमें ये तो मालूम था कि तुम आओगे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि भैया इतने दिन के बाद आओगे। ब्राह्मण की जिस समय दशा भगवान कन्हैया ने देखी है, रुक्मिणी गंगा जल लेकर के आई है, प्रभु मित्र के पैर धो लीजिए। कन्हैया कहने लगे हैं मामा रुक्मिणी
आज हमें अपने मित्र की गरीबी पर जी भर के रोने लगे। मेरे मित्र का इतना दोष नहीं था जितनी बड़ी सजा मैंने अपने मित्र को दे दी है। पेट की खातिर मित्र थोड़ी हमसे झूठ बोल गए थे, हमें इतनी सजा नहीं देनी थी। कलश वाली कन्याएं व्यासपीठ के सामने आ जाएं। कुछ दानदाताओं की सूची है जिन्हें आप श्रवण करेंगे। हेलो हेलो, 51 रुपए जनवेद। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि रुक्मिणी आज हमें मित्र की गरीबी पे जी भर के रो लेने दीजिए। सुदामा से प्रश्न करते हैं कि सुदामा भैया, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? सुदामा जी कहने लगे हैं कि मित्र, जब हम द्वारका धाम की ओर चले थे तब 10 दिन व्यतीत हो चुके थे, घर में चूल्हा नहीं जला था। पता नहीं बच्चे जिंदा भी होंगे या नहीं होंगे। भगवान कन्हैया समझ गए हैं कि मित्र गरीबी के दलदल में डूब गया है। विषय बदल दिया है। भगवान कन्हैया ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया है कि मित्र, द्वारिका खाली हाथ तो नहीं आए हो? भाभी ने भेंट में देने के लिए कुछ न कुछ जरूर दिया होगा। कन्हैया विषय बदल देते हैं और कहते हैं, हंस के कही गोपाल मित्र मेरी भाभी का भिजवायो, हंस के कही गोपाल मित्र मेरी भाभी का भिजवायो, पगल गवाए का बैठे हो तुम लोगों ने बतायो, पगल गवाए का बैठे हो भगवान कन्हैया ने विषय बदल दिया है। छीना झपटी में चावल बिखर गए हैं। भगवान कन्हैया उन चावलों को एकत्रित करने लगे हैं।
बंटू यादव जो आर्मी में सेवा विभाग इन्होंने क्षेत्र में करवा दिए हैं और इनका संकल्प है जब ये 201 कन्याओं की शादियां करा देंगे उसके बाद में एक भागवत और अपनी तरफ से अपने ही गांव में कराएंगे। तो मैं कामना करूंगा भगवान इनकी ये मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो, क्योंकि कहां गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहां गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, खड़े थे भामनी ऊपर से उतर के आई, कहने लगी है प्राणनाथ घर के अंदर चलो। साथ में ही भैया नीलू यादव जो दत्तपुर निवासी हैं, भैया नीलू यादव जी की तरफ से 201 रुपए की मुद्राओं के द्वारा व्यास पीठ पर हमें सम्मानित किया जा रहा है। कामना करेंगे बिहारी जी भैया नीलू यादव की संस्था को हमेशा उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर बनाए रखें, ताकि उनके हाथ हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे बने रहे। सुदामा कहने लगे हैं भामिनी, दो दिन पहले हम गए थे तो देखो घर में अन्न के दाने नहीं थे, यश और वैभव कहां से आया। भामिनी कहने लगी है सुनो कि देवर जी राज आए, सुदामा के पेट में जाड़ा हो गया। कहने लगा क्यों रे, मेरा तो कोई छोटा भाई है नहीं, दो दिन के लिए द्वारिका क्या चलेगा, ये देवर कहां से आ गया। भामिनी कहने लगी है कि प्राणनाथ भयभीत क्यों हो, द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया आपके मित्र हैं, आयु में आपसे वो छोटे हैं, इसलिए वो हमारे धर्म के देवर हैं। बोली है देवर जी रात आए उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए I'm not afraid।
पाठ का कीर्तन बोल लेंगे। कुछ दानदाताओं के नाम है, नहीं आप पहले श्रवण करें उसके बाद में।